Class 7, Chapter number 6, Charts and Graphs in MS Excel. Visual representation have always been preferred whenever loads of data is to presented simultaneously. जब भी आपको अपना statistical data अच्छी form में दिखाना होता है या समझाने के लिए कोई अच्छा way लेना होता है तो सबसे अच्छा way होता है visual representation. और Excel में आपको visual representation के लिए एक बहुत बढ़िया feature मिलती है जिसे हम charts या graph कहते हैं. This is why every spreadsheet software provides charts and graph feature so that data can be visually represented in different ways. अलग-अलग तरीके से हमारा data charts और graphs की form में नजर आता है. Charts are the pictorial representation of worksheet data. आपकी worksheet पर जो भी data होता है, उसका pictorial, उसका image form में एक representation देने का काम करता है. Charts present worksheet data in graphical or pictorial form, which is easier to read and understand. Charts help you evaluate your worksheet data and analyze them conveniently. तो आपके डेटा को आसानी से समझने के लिए, conveniently देखने के लिए और difficulty spots को भी बहुत सरलता से समझने के लिए charts का यूज करते हैं. Chart को ऐड करने के लिए आपको पहले worksheet पे कुछ डेटा टाइप करके रखना पड़ता है, फिर आप insert टैब पर जाते हैं और उसमें चार्ट नाम का ग्रुप है, वहां पर आपको डिफरेंट काइंड के चार्ट्स मिलेंगे, उनमें आप कोई भी चार्ट अप्लाई कर पाएंगे. प्रैक्टिकली भी हम इसको देखेंगे, पहले थ्योरेटिकली एक बार बुक में कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ लिखे हुए हैं. चार्ट को इंसर्ट करने के यहाँ स्टेप दिए हैं कि सेलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन द सोर्स डेटा फॉर द चार्ट. मान लीजिए आपने एक्सेल में ये डेटा बनाया, सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई, मार्क्स की लिस्ट आपने तैयार की और इन सब्जेक्ट और मार्क्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग आप एक चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपने पहले इनका सिलेक्शन करना है. उसके बाद में आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और फिर आपको इंसर्ट टैब में चार्ट टाइप पर जाना है और कोई भी कैटेगरी है चार्ट की वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है. चार्ट को इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की है जिसे हम F11 के नाम से भी जानते हैं. और कितने तरीके के चार्ट हम ऐड कर सकते हैं एक बार देखते हैं. टाइप्स ऑफ चार्ट, पहला चार्ट है इसमें कॉलम चार्ट. तो जब आप किसी भी डेटा की एंट्री को एज अ कॉलम और रो वाइज देखते हैं, डेटा दैट इज अरेंज्ड इन अ कॉलम्स और रोज ऑन अ वर्कशीट, तो इसमें क्या होता है कि वर्कशीट में जो द प्राइमरी डॉक्यूमेंट दैट यू यूज इन एक्सेल टू स्टोर एंड वर्क विद डेटा ऑल्सो कॉल्ड अ स्प्रेडशीट, तो आपका जितना भी डेटा है वो एक प्लॉट एरिया की तरह नजर आता है, जैसा आपको यहाँ राइट वाले डिस्प्ले पर नजर आ रहा है. मैं इसको जूम कर देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली इसको एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से ये कॉलम चार्ट भी आता है. तो मान लीजिए आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके नीचे आ गए और आपके जितने नाम हैं वो राइट साइड पे आ गए, उनके कलर डिफाइन हो गए और इधर आपके मार्क्स डिफाइन हो गए. तो नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स और फिर उनके कॉलम बन करके खड़े हो गए. तो ये कॉलम चार्ट है. इसी को आप वर्टिकल कर दीजिए तो ये बार चार्ट हो जाएगा. अब बार चार्ट इलस्ट्रेट कंपेरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम कैटेगराइज आर ऑर्गेनाइज वर्टिकली वैल्यूज हॉरिजॉन्टली. तो अभी क्या था, यहाँ पे वैल्यूज आपकी वर्टिकली थी लेकिन इस बार वैल्यूज क्या हो गई, हॉरिजॉन्टली हो चुकी हैं. यहाँ पर मार्क्स आपके ऐसे नजर आ रहे हैं और जबकि सब्जेक्ट आपके वर्टिकली नजर आ रहे हैं. लाइन चार्ट में आपकी लाइंस बन जाती हैं, जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो मान लीजिए रवि का ये ब्लू कलर है, तो रवि ने मैथ में कितने मार्क्स गेन किए, तो ये एक लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देता है. इस तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये लाइन चार्ट हो जाता है. एरिया चार्ट में लाइन के साथ में ये एरिया फिल हो जाता है. एन एरिया चार्ट एम्फसाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम बाय डिस्प्लेइंग द सम ऑफ प्लॉटेड वैल्यूज. एन एरिया चार्ट आल्सो शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्लॉट टू अ होल. तो ये रिलेशनशिप भी मेंटेन करता है और एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी भी रखता है. उसके बाद एक कॉमन है पाई चार्ट. पाई चार्ट में आपकी परसेंटेज बन जाती है, जो आपका 360 डिग्री का एंगल है, इसमें पूरा का पूरा सर्कल है, उस सर्कल में कितना हिस्सा आप कवर कर रहे हैं, जितनी परसेंटेज या जितनी आपने वैल्यूज डाली है उसके हिसाब से यहाँ पर ये कैलकुलेशन होकर के आपका चार्ट पाई चार्ट की फॉर्म में नजर आता है. आप पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आइटम दैट मेक अप अ डेटा सीरीज टू द सम ऑफ द आइटम. इट ऑलवेज शोज ओनली वन डेटा सीरीज एंड इज यूजफुल व्हेन वांट टू एम्फसाइज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट. जब आप एक बच्चे के डेटा को लेकर के काम करेंगे तो बहुत बढ़िया ये काम करेगा आपका पाई चार्ट. उसके बाद में बबल चार्ट है, तो बबल्स बन के आ जाएंगे उन पॉइंट्स की जगह पर. एक्स वाई स्कैटर चार्ट्स है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में पॉइंट्स बन करके आ जाएंगे. ऐसे ही आपका सरफेस चार्ट है, तो सरफेस चार्ट की लुक थोड़ी 3D डिजाइन में लगेगी, तो इसलिए इसका नाम सरफेस चार्ट है। अ सरफेस चार्ट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू फाइंड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा। दो अलग अलग सेट्स ऑफ डेटा के बीच में अगर कॉम्बिनेशन देखना हो तो फिर आप ये सरफेस चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो 8 तरीके के चार्ट के टाइप्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। एक्सेल की स्क्रीन पर भी एक बार देखते हैं कि ये चार्ट कैसे डिस्प्ले होंगे। तो हम एक्सेल पर चलते हैं और ये वाला जो एक टेबल है सब्जेक्ट और मार्क्स, इसी को लेकर के डिफरेंट काइंड के चार्ट्स हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल स्क्रीन। यहाँ हम लिख देते हैं सब्जेक्ट, यहाँ लिख देते हैं मार्क्स, मान लीजिए यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। यहाँ हम इनके मार्क्स डाल देते हैं 98, 85, 74, 65, 75। अब ये हमारा डेटा तैयार हो गया जिसके हिसाब से हमें चार्ट बनाना है। तो हमने क्या करना है, पहले एक एरिया को सेलेक्ट करना है जिस भी एरिया पे हमें चार्ट बनाना है। उसके बाद इंसर्ट टैब पर जाएंगे, यहाँ देखेंगे ये आपका चार्ट ऑप्शन है, चार्ट ग्रुप है। इस चार्ट ग्रुप में कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और भी जो चार्ट्स हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 चार्ट तो सामने ही दिख रहे हैं। और अदर चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर और सारे चार्ट भी आपको नजर आ जाएंगे, जैसे बबल चार्ट है, रडार चार्ट है, डोनट चार्ट है, बहुत सारे चार्ट हैं। तो पहले हम कॉलम चार्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने कॉलम किया तो अब आप देखिए आपके लिए कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया। ये हमारा कॉलम चार्ट है जो बता रहा है आपके मार्क्स ये हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो ये मार्क्स का कॉलम हो गया। तो जितने मार्क्स आपने यहाँ फीड किए हैं वही मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे डायग्राम बन के आ गया। अब मान लीजिए आप हिंदी के 100 कर देते हैं तो अब आप देखिए इस चार्ट में भी ये जो कॉलम था ये 100 को फिल कर चुका है। जैसे आप माउस का पॉइंटर यहाँ लेकर आएंगे तो भी आपको यहाँ वैल्यूज नजर आएंगी। एक चार्ट को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर देख रहे हैं चार्ट टूल, यहाँ पे चार्ट का डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। डिजाइन पर आप जाएंगे तो आप चार्ट के डिजाइन, मान लीजिए कलर आपको ग्रीन चाहिए या ब्राउन चाहिए, ऑरेंज चाहिए, तो आपने इससे चार्ट का कलर सेट कर सकते हैं। लेआउट में मान लीजिए डेटा लेवल्स आपको दिखाने हैं, मैंने कहा आउटसाइड एंड, तो आप देखिए जो नंबर थे वो यहाँ पर प्रिंट होने शुरू हो गए। तो अलग अलग तरीके के लेआउट आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट करना है, चार्ट का बॉर्डर मान लीजिए, कलर फिल करना है, तो ये सारी चीजें सेटिंग आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो फॉर्मेट, लेआउट और डिजाइन, ये 3 ऑप्शन भी चार्ट के साथ में आ जाते हैं। अब ये हो गया हमारा कॉलम चार्ट। आपको चार्ट का टाइप बदलना है तो डिजाइन में ही आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। कॉलम की जगह यहाँ पर सारे चार्ट आ गए, कॉलम, लाइन, पाई। लाइन चार्ट करेंगे तो आप देखिए लाइन चार्ट में कुछ ऐसा नजर आएगा जिसमें पॉइंट्स बन गए और इन पॉइंट्स पर लाइन खींच दी गई। तो ये हमारा लाइन चार्ट है। दूसरा कोई चार्ट टाइप लेना है, मान लीजिए पाई चार्ट कर दिया आपने, तो अब पाई मैंने बताया था ना 360 डिग्री के एंगल में। अब हिंदी के 100% है, इसमें 85% आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं, 85। तो इस तरीके से सर्कल बन करके पाई की फॉर्म में रिजल्ट नजर आ रहा है। पाई में अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो ये पाई चार्ट हो गया। ऐसे ही बार चार्ट है, तो बार चार्ट में मैंने बताया था ये चीजें हॉरिजॉन्टली हो जाती हैं। अब मार्क्स आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ नजर आ रहे हैं। कॉलम चार्ट में ये उल्टा हो गया था, आपके मार्क्स लेफ्ट में थे और जो आपके सब्जेक्ट थे वो नीचे बॉटम में नजर आ रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर आप कोई और चार्ट भी ले सकते हैं। एरिया चार्ट है, तो एरिया चार्ट में देखिए रिलेशन भी क्रिएट हो रहा है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट एक एरिया चल रहा है कि भाई यहाँ से किस तरीके से ये रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही एक्स वाई स्कैटर चार्ट है, तो एक्स वाई स्कैटर का चार्ट में क्या हो रहा है, लाइन चार्ट में इसमें लाइन खींच दी गई थी, एक्स वाई स्कैटर में यहाँ पर पॉइंट्स बन गए हैं। ये 100 पॉइंट्स पर ब्लिंक कर रहा है, ये 85 पर, ये 74 पर, और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के मार्क्स भी नजर आ रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी चार्ट का टाइप यूज कर सकते हैं। सरफेस चार्ट है, तो सरफेस चार्ट आपका कम से कम 2 सीरीज पे काम करेगा, 1 सीरीज पे नहीं चलेगा। लेकिन आप डोनट चार्ट है, डोनट चार्ट यूज कर सकते हैं जो पाई की तरह देखने में लगता है। तो डिफरेंट काइंड के चार्ट्स अवेलेबल हैं और इनमें से किसी भी तरीके के चार्ट को आप इजीली यूज कर सकते हैं। बुक में आपको यही बताया गया है कि अलग अलग तरीके के चार्ट हैं और इनका किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है चार्ट को लेकर के। चार्ट आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा, आपकी वर्कशीट डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। चार्ट कैन बी इजीली क्रिएटेड यूजिंग चार्ट विजार्ड, चार्ट विजार्ड के थ्रू भी आप इसे चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट में अलग अलग तरीके के चार्ट के टाइप होते हैं, कॉलम है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बहुत सारे चार्ट के नाम लिखे हैं। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, इनकी डेफिनेशन भी दी है। F11 एक शॉर्टकट की होती है जिससे आप चार्ट को डायरेक्टली अपने एक्सेल शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो 6 है क्लास 7 के लिए कंप्लीट हो गया है। आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी अगर अभी भी रह जाती है, कोई भी प्रश्न आपके माइंड में है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उसका पॉसिबल सोल्यूशन करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।